नमस्कार दोस्तों, हर बागवान की खूबसूरत बगिया का शौक़ होता है, वो सपना देखता है। लेकिन इस खूबसूरत बगिया को मेंटेन करने के लिए कभी लोग असमर्थ भी हो जाते हैं, क्योंकि बार बार वो अपने बागवान में खर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो हमें इस तरह के पौधे इस समय नर्सरी से लाने चाहिए जो 20 से 30 रुपए के अंदर में मिल जाए, साथ ही वो सालों साल हमारे साथ रहे। फिर चाहे वो बीजों के थ्रू हमारे साथ रहे या फिर कटिंग लगाकर। बागवानी हमें इसी तरह करनी चाहिए जिससे कि हमारा बगिया सुंदर तो बना रहे, साथ ही वो कम खर्चे में हो जाए। तो आज की वीडियो इसी पर है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को प्रेस करें। चलिए, ये जो सबसे पहले नंबर पर आप ये पौधा देख रहे हैं, ये 20 से 30 रुपए के अंदर में आपको उस समय नर्सरी में देखने को मिलेगी। ये बीजों से भी आप इसे सस्ते में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम आप इसे बीजों से ना ग्रो कर नर्सरी से ला सकते हैं। और जब ये सूख जाएगा, इसके जो फ्लावर स्पेंट हो जाएंगे उसमें इस प्रकार से बीज बनेंगे। तो एक तो ये पौधा सस्ता है, आप इसे नर्सरी से ला सकते हैं और इसके बीजों को आप सेव कर सालों साल इसे अपने गार्डन में परमानेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट ये दोस्तों देख रहे हैं एनुअल क्रिसेंथिमम, ये भी 25 से 30 रुपए में आपको नर्सरी में इसके छोटे छोटे पौध मिलेंगे। इस समय आप नर्सरी से विंटर में आप लाकर इसे अपने गार्डन में रखेंगे तो ये भी बहुत सारे कलर्स और वैरायटी में आते हैं। तो ये सस्ता ही पौधा होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपके गार्डन की खूबसूरती तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही इसके बीजों को आप सेव कर रखेंगे तो आपके गार्डन में ये सालों साल बने रहेंगे। तो इस तरह से इसके बीज होते, देखिए इसके जो सूखे हुए फूल होते हैं उसके साइडों से कई सारे इसके बीज निकलते हैं दोस्तों, वही इसको आपको सेव कर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सस्ता पौधा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये बर्बीना का खूबसूरत पौधा है। ये भी 15 से 20 रुपये में मिल जाता है, कहीं कहीं तो ये 10 रुपए में भी मिलता है। तो इसके जब फूल सूखते हैं ना, उसके नीचे ये बंचेस में गुच्छों में भर भर कर इनमें बीज बनते हैं। इन बीजों को हम लोग अच्छे से हल्की हल्की धूप में सुखाएंगे और फंगीसाइड डालकर किसी पेपर में रैप कर रख सकते हैं। इस तरह के इसके बीज होते हैं, देखिए दोस्तों लंबे लंबे सौंफ के आकार के बर्बीना के बीज होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये स्टॉक का हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड हो या देसी हो, कोई सा भी स्टॉक का प्लांट हो, इनमें बीज तभी बनेगा जब 2 से 3 पौधा हम लोग अपने गार्डन में ऐड करेंगे। ये भी 25 से 30 रुपये में आपको नर्सरी में मिलेंगे और जब इसके फूल सूखते हैं तो इसके बीज इस तरह से दिखते हैं लंबे लंबे, और जितना फूल उतना ज़्यादा बीज, बहुत ज़्यादा बीज बनता है। तो इस तरह से आप सस्ते में अपनी बागवानी की शुरुआत इस समय विंटर में कर सकते हैं। और ये समझदारी बड़ा बात होता है कि इनकी बीजों को हम लोग सेव कर रख ले। नेक्स्ट गजानिया है, ये भी काफ़ी खूबसूरत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में उपलब्ध होते हैं नर्सरी में। 10-10 रुपए में इसके पौध मिलते हैं, हर जगह इसके पौधे सस्ते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्डी पौधा होता है। कोई नखड़ा नहीं होता है इसका, कोई नाजो नखड़े नहीं, आराम से चलते हैं। और जब इसके सूखे फूलों से इस तरह से बीज आप निकाल कर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सस्ता मिलने वाला पौधा ये, 20-20 रुपये में इसके पौधे मिल जाते हैं, काफ़ी सारे कलर में ये उपलब्ध होते हैं और इसमें इस तरह के सीड बनते हैं। इसके भी बीजों को आप रखेंगे तो आप हर साल इसे अपने गार्डन में परमानेंट बनाकर रख सकते हैं और बीजों सुखाकर सस्ती बागवानी कर सकते हैं। ये तो अभी कच्चा है, लेकिन जब ये सूखेगा तो ब्राउन कलर का हो जाता है और पिटूनिया के जैसे ही इसके बीज होते हैं। तो अभी सही समय है, आप नर्सरी से लाइए। नेक्स्ट सस्ता मिलने वाला पौधा है 25 से 30 रुपये में, ये स्वीट पी का पौधा। इससे बहुत ही खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू आती है, ये एक बेलदार पौधा होता है और मटर की फलियों के जैसा इसमें बीज बनता है, इसीलिए इसका नाम स्वीट पी पड़ा है, क्योंकि फूल भी मटर के फूल के जैसे होते हैं और इसके बीज भी मटर के जैसे ही होता है। कच्चा देखने से तो बिल्कुल ये मटर के जैसा लगता है और यही सूख जाता है तो ये ब्राउन कलर का हो जाता है। ये भी बीज से ही हर साल मैं इसे उगाती हूँ। नेक्स्ट दोस्तों सस्ता मिलने वाला पौधा ये, 10 से 15 रुपये में छोटे छोटे पौध इसके मिलेंगे और थोड़े बड़े लेंगे तो 20 रुपये में मिलेंगे। इसमें भी भर भर कर देखिए इस तरह से इसके बीज बनते हैं, ढेरों बीज बनते हैं। तो इसे भी आप सेव कर सस्ती बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं। अभी तो इनमें बीज नहीं बनेगा, लेकिन इस पौधा जब सूखता है तब इसमें बीज बनने लगते हैं। नेक्स्ट ये जो देख रहे हैं ये साल्विया का पौधा, बेहद ही खूबसूरत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और शेड्स में उपलब्ध होता है। मोस्ट फेवरेट ये हर गार्डनर की होती है क्योंकि इसके फूलों की बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। और दूसरा दोस्तों 15 से 20 रुपये में ये नर्सरी में मिल जाता है, हर फूलों में हर भरकर इसमें बीज बनते हैं और इस तरह से देखिए इसमें बीज बनते हैं। नेक्स्ट ये नेस्टेशियम का पौधा देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये अवेलेबल होता है।
ऑरेंज, पिंक, येलो, क्रीम कलर, रेड कलर, मरून कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी फूलों के साथ साथ इसकी पत्तियां भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। ये मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है क्योंकि इसकी पत्तियों को देखने से ऐसा लगता है कि मानो हजारों कमल के पौधे हमारे गार्डन में खिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही हार्डी होता है, भर भर कर बीज बनाता है और सस्ता मिलता है पौधे। 25 से 30 रुपए में इसका बहुत ही अच्छा मैच्योर मदर प्लांट आपको मिलेगा। जब सीज़न ऑफ होगा तो इसमें ढेर सारे मटर की फलियों जैसा बीज बनता है और वही बीज हमें लेकर रखनी है जो पॉट में खुद ही मैच्योर होकर गिरता है। उन्हीं की जो फ्लावरिंग होती है नेक्स्ट ईयर काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट ये डायंथस का पौधा भी बहुत ही हार्डी होता है, इसमें भी बहुत सारे सीड पॉट बनते हैं। और ये प्लांट तो पेरेनियल ही होता है क्योंकि आप इसे सालों साल बचा कर रखेंगे तो आपके साथ चलेगा। ये पौधे सस्ते तो होते ही हैं, साथ में डायंथस बहुत ही हार्डी होता है, समर में भी ये चल जाता है। और इसको बीजों के थ्रू हम लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक बार ये पौधे हम लोग लाएंगे खरीद कर तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट ये मैरीगोल्ड का देख रहे हैं, इसे कौन नहीं ही जानता होगा। ये बहुत ही कॉमन सा पौधा है जिसको बागवानी का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है वो भी मैरीगोल्ड यानी गेंदे के पौधे को ज़रूर ही लगाता है। और इसमें इस तरह के भर भर कर बीज बनते हैं, कटिंग के थ्रू भी इसे हम लोग अपने गार्डन में हमेशा बनाकर रख सकते हैं और बीजों के थ्रू भी। नेक्स्ट ये कार्नेशन का पौधा देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। ये डायंथस की फैमिली से बिलोंग करता है। डायंथस सिंगल पेटल होता है और कार्नेशन मल्टी पेटल होता है और इसमें भी बहुत सारे बीज बनते हैं। तो इनके बीजों को भी सेव कर कर एक बार आप इसके पौधे को लाइए और इसके बीजों को सेव कर कर रख लीजिए जिससे आपको दोबारा इन पौधों को ख़रीदना नहीं पड़े। तो हमें बागवानी में ऐसे ही करनी चाहिए बचत की गार्डनिंग, इनके बीजों को संभाल कर रख लेना चाहिए। नेक्स्ट पिटूनिया तो हर कलर और हर शेड में उपलब्ध होता है, बहुत कम कलर ऐसे हैं जिसमें पिटूनिया में हमें नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत लगता है, जितने फूल उतने बीज। तो ऐसे पौधे ये और ये बहुत ही सस्ता मिलता है। छोटे छोटे सीडलिंग इसके 10-10 रुपए में मिलते हैं और सैपलिंग इसके 15 से 20 रुपए में मिलते हैं और भर भर कर बीज बनते हैं। इनके बीजों को हमें सेव कर कर रख लेना है तो ये हमें कभी भी ख़रीदना नहीं पड़ता है। इस तरह के इसके सीड पॉट होते हैं, ये अभी कच्चा है और जब ये पक जाएगा तो ये ब्राउन कलर का होगा और ब्लैक कलर के इसमें छोटे छोटे से सीड निकलेंगे। तो इन सस्ते पौधों को हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करने चाहिए और इनको बीजों को हमें संभाल कर रखना है ताकि एक बार खरीदने के बाद दोबारा हमें ख़रीदना ना पड़े। नेक्स्ट एक कैलेंडुला को देख रहे हैं, ये भी 10-10 रुपए में बहुत ही हेल्दी पौधे मिल जाते हैं नर्सरी में, खास करके रोड साइड नर्सरी में बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। और इस तरह के इसके सौंफ के जैसा इस तरह का बीज होता है और ये अभी हरा है, जब ये सूखता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है। देखिए इस तरह से यही बीज से इसको उगाना काफ़ी आसान होता है। 10 रुपए में लाकर इसे सालों साल हम अपने गार्डन में ऐड कर बना कर रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉपी बेहद ही खूबसूरत डिफरेंट कलर्स में ये आता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, कम धूप में भी ये चल जाता है। और ये फूल जितने फूल उतने बीज, इस तरह के इसके सीड पॉट होते हैं। जब पंखुड़ियाँ झड़ जाती है तो उसके बीच में से ऐसा इसका सीड पॉट होता है और जो इसका सीड होता है वो काफ़ी बारीक होता है, बहुत ज़्यादा बारीक होता है। और यही इसका बीज है और इसको ही हमें संभाल कर रखना है। पॉपी भी बहुत ही सस्ता हमें मिल जाता है, 15 से 20 रुपए में मिल जाता है। तो विंटर में इसके गार्डनिंग की लुत्फ हमें उठानी है और इसके बीज को संभाल कर हमें रखना है। देखिए कितने बारीक इसके सीड है। दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो। वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक करें। इसी के साथ विदा लेती हूँ, बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।